नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरा इस चैनल टर्निंग पॉइंट ट्राई टू लर्न चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 15 ऐसे सेंटेंस को सीखने वाले हैं जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बोलते हैं। तो चलिए सीखते हैं उन शब्दों को जो हम रोज़ बोलते हैं। हम कहते हैं समय की कीमत समझो, समय की कीमत जिसको इंग्लिश में कहते हैं वैल्यू ऑफ टाइम, मतलब समय की कीमत। सब कुछ को इंग्लिश में कहते हैं एवरीथिंग, एवरीथिंग मतलब सब कुछ। सज्जन को इंग्लिश में कहते हैं जेंटलमैन, जेंटलमैन मतलब सज्जन। आपका दिन शुभ हो, इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे, हैव अ गुड डे, हैव अ गुड डे मतलब आपका दिन शुभ हो, आपका दिन मंगलमय हो। मुझे माफ़ करें या फिर मुझे क्षमा करें, इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी मतलब मुझे माफ़ करें या फिर मुझे क्षमा करें। आपका स्वागत है, इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे, यू आर वेलकम, यू आर वेलकम मतलब आपका स्वागत है। मेरी विनती को इंग्लिश में कैसे कहेंगे, माई रिक्वेस्ट मतलब मेरी विनती। इसे पढ़ो, इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे, रीड इट मतलब इसे पढ़ो। इसे लिखो, इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे, राइट इट मतलब इसे लिखो। इसे खोलो, इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे, ओपन इट मतलब इसे खोलो। इसे बंद करो, इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे, क्लोज इट मतलब इसे बंद करो। तुम्हारे लिए, इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे, फॉर यू मतलब तुम्हारे लिए। मेरे लिए, इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे, फॉर मी मतलब मेरे लिए। मेरे परिवार के लिए, इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे, फॉर माई फैमिली मतलब मेरे परिवार के लिए। दोस्तों, यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू।